देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते कई अन्य राज्य के मजदूर मध्य प्रदेश में आज भी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। रुके हुए मजदूरों की चिंता लगातार अन्य राज्यों की सरकारें लगातार कर रही हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में मेघनगर क्वारंटीन सेंटर में बदहाली के कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। हम पीने वाला पानी उसको दवा डाल के वॉशिंग कर रहे हैं, बीमार पड़े कोरोना से बीमार हो जाएंगे, हम इससे पहले बीमार हो जाएंगे, क्योंकि पीने वाला पानी हमें गले में स्क्रैच जैसा हो रहा है, तो 3 से 5 बीमार था। अच्छे खासे इंसान भी बीमार पड़ने की स्थिति में आ चुके हैं, और बल्कि जो है जो समस्या काफी समस्या का समाधान करें। और हमारे हालात बहुत खराब है, खाना भी पानी जैसा मिलता है, बोलते हैं तो खाने को पुलिस वालों को रखने से काम है, कोई जाना नहीं चाहिए, तो वो लोग खाने के लिए बोले तो वो मारता है, तो नीचे गेट लगा के रखता है और 6 बजे से शाम को ऊपर लगा देता है, कहीं जाने नहीं देता है। और पानी के लिए बोलो तो कहता है तुम लोग को नहीं निकलने दूंगा, तेल मंगवाया सब लोगों मेरे को मारा भी। यहाँ पे खाने और गर्म पानी की फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का टैंकर आता है वही सामने रख दिया जाता है, सभी लोग उससे भर के पीते हैं। जबकि ऊपर से जो गाइडलाइन जा रही है उसमें बोला है काढ़ा दिया जाए और गर्म पानी पिया जाए, लेकिन इसकी कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ सैनिटाइज रूमों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर सफाई हो रही है रूमों। कितने दिनों में? और जब से हम लोग आए हैं तभी से सर, मतलब रूम के अंदर की पूरी साफ सफाई 10-15 दिन से नहीं हुई। जिस दिन से हम लोग आए हैं हम लोग अपने हाथ से कुछ झाड़ू वाड़ू लगा के कचरा वचड़ा निकालते हैं, ठीक। बाकी यहाँ अंदर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और ना हम लोगों को हाथ धोने के लिए सैनिटाइज दिया गया है, ना मास्क वितरण हो रहे हैं।